हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज मैं आपको मशीन में बॉबिन लगाना बताऊंगी कि आप मशीन में बॉबिन सही तरीके से कैसे लगाएं। तो ये हमारे पास बॉबिन है और ये बॉबिन केस है। तो इसको हमें मशीन में कैसे सेट करना होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो ये हमारे पास बॉबिन है, तो सबसे पहले हम इसमें धागा भर लेंगे और उसके बाद में इस बॉबिन केस में इसे अच्छे से फिट करना होता है। तो इसमें धागा भरने के बाद हम इसमें इसे ऐसे सेट करेंगे और थोड़ा धागा बाहर रखेंगे। तो इसको हम ऐसे खींच के थोड़ा धागा बड़ा बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे जो एक कट दिख रहा है बॉबिन केस में, तो इस धागे को हम यहाँ से ऐसे इसमें लाएंगे खींच के और फिर यहाँ पे हमें इस धागे को लाना है। तो इस धागे को हम यहाँ से धीरे धीरे खींच के यहाँ पे धागे को अच्छे से लाना है। तो ये मैंने बॉबिन केस में बॉबिन अच्छे से सेट कर दी है और इसको ऐसे देख लेना है अच्छे से लग गया है और ये बॉबिन निकलेगी नहीं। और उसके बाद में हमें बॉबिन को मशीन में सेट करना होता है, तो हम मशीन में इसे सेट कर लेते हैं। बॉबिन हम यहाँ सेट करेंगे, इसको खोलेंगे पहले और फिर हमें इस सटल में हमें बॉबिन केस को सेट करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे हमें बॉबिन केस लगाना है, तो हम इसमें अब बॉबिन केस लगाएंगे। बॉबिन को ऐसे लेना है और जो ये धागा है इसको बाहर ऐसे रखेंगे और फिर इसे ऐसे रखेंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे सीधा रहेगा और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और हमें इस सटल में नीचे सेट करना है। बॉबिन को हमें ऐसे पकड़ना है। अब हम सटल में इसे सेट करते हैं। अब हम बॉबिन को ऐसे लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ सीधा रखेंगे। अब इसको ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद इसमें आवाज़ आएगी, तो इसे हम ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाना है इसको, देखो ऐसे लगाना है और ये ऊपर सीधा रहेगा और इसको हल्का थोड़ा सा अंदर दबाना है और इसको जब हम दबाएंगे तो ये जब सही से फिट होगा तो आवाज़ आएगी। जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो इसको ऐसे हम दबाएंगे, ये देखो लगने के बाद आवाज़ आई। तो इसी तरह अच्छे से हमारा बॉबिन सेटल में सेट हो गया है और अब ऐसे हम ऐसे देखो घुमा के देख रहे हैं सही से फिट हो गया है। अगर ये सही से नहीं फिट होता तो हमारी मशीन की सुई अच्छे से नीचे नहीं जाती और मशीन की सुई टूट भी सकती थी। तो अब हम सिलाई करके देख लेते हैं कि हमारा बॉबिन सही से लगा है कि नहीं लगा है। ये हमारा मशीन में धागा पहले से लगा हुआ है। ये अब हम ये धागा ऐसे पकड़ेंगे और नीचे का धागा हमें बॉबिन का ऊपर लाना है। तो इसके लिए हम इस धागे को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम सुई नीचे को ले जाएंगे और ऐसे ही ऊपर ऐसे खींचेंगे। ये देखो हमारा बॉबिन का धागा ऊपर आ गया है। ये हमारा बॉबिन का धागा ऊपर आ गया है, इसको हम खींच लेंगे और ऐसे इसे ऐसे पीछे कर देंगे। और अब हम सिलाई करके देखते हैं कि हमारा बॉबिन सही से लगा हुआ है कि नहीं, सिलाई कैसी आ रही है।
ये देखो सिलाई अच्छी आ रही है और बराबर के टाके आ रहे हैं। सही से हमारा बॉबिन सटल में सेट हो गया है। ये देखो बराबर की सिलाई आई है। ये और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।